मौलाना साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया। डैड को आपसे बहुत मोहब्बत और अकीदत थी। आप आए हैं उनके लिए दुआ किए, डैड की रूह को बहुत सुकून मिला होगा। बेशक बेशक बेटा, कासिम साहब इंतहाई मोहब्बत वाले इंसान थे। मुझसे क्या सबसे मोहब्बत करते, और कितने मस्जिद के काम अपने जिम्मे ले रखे थे उन्होंने। अल्लाह ताला उनकी तसीर पर अता फरमाए। आमीन। अफनान, मुझे बात करनी है आपसे। मौलाना साहब आप आइए, आइए मौलाना साहब आप आइए। अफनान, आप मामू जान को सर्दखाने में क्यों रखवा रहे हैं? वो भी एक रिश्तेदार की खातिर आप उनको अजियत दे रहे हैं। तुम्हारा मामला नहीं है, इसमें मत बोलो। जानती हो ये मेरा मामला नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि एक मुर्दा जिस्म को दो दिन के लिए सरखाने में रखवा कर सिर्फ एक नजर की ज्यारत का शौक मामू जान को कितनी तकलीफ देगा। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि अपने सुकून की खातिर आप किसी और को तकलीफ दें? कैसी मोहब्बत है अफनान? जब कोई इंसान मर जाए ना तो उसे जल्द से जल्द दफना देना चाहिए। इसलिए प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें और मामू जान को सर्दखाने में ना रखें। इससे उनको तकलीफ पहुंचे। अफनान बेटा, ये बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। आसिम साहब के तस्वीर में रिश्तेदार या किसी भी वजूहत के बिना पे ताखिर करना मुनासिब नहीं है। बेटा, मेरा तो मशवरा यही होगा, बच्चे की बात मानो। और तदफीन में जल्दी करो बेटा। यही मुर्दे के हक में बेहतर है और हमें भी सवाब मिलेगा बेटा।